हाय गाइस, रात के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ किचन साफ कर रहा था ये, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो बच्चे उठ ना जाए, अभी सो रहे हैं दोनों। सारे कपड़े तय लगाने हैं अभी, और मैडम धो रही है बर्तन के साथ में। देखो मैम धो रही कपड़े, वो बर्तन धो रही हैं। गाइस, हम दोनों इसलिए मिलके काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे जो सो रहे हैं, इसलिए गौरव जाग रहा है तो गौरव नीचे खेल रहा है, गौरव जाग रहा है बस। रख सकते हैं और तो हमने सोचा कि हम काम कर रहे हैं अपना। गौरव और देखो कहाँ सो रहे हैं, एक यहाँ सो रही है, एक वहाँ सो रही है। और अभी गाइस सारे सूख गए, ये कपड़े सब तय लगाने हैं और सारा साफ करना है अभी, क्योंकि गाइस टाइम बिल्कुल नहीं मिलता काम करने का। ये देखो, ठीक है, अब बच्चे रोएंगे तो हम बच्चों को देखेंगे, काम थोड़े देखेंगे। पहले ये क्या खा रहा है? पालक खा रहा है, पालक। देखो क्या क्या डाल रहा था, रबड़ डाल रहा था। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया गाइस, हमारा काम हो गया। ओ, 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 अभी रात नहीं हुई, रात नहीं हुई गाय, ये गीला हो रहा है इसलिए उठ गया ये। कपड़े भी तो तुमने इसके मुंह पे लाके रख दिए सारे। ऑरेंज वाली शीट कहाँ है? ऑरेंज वाली शीट ले रही है, बिछाना है इसको। आओ बेटा, चेंज कर, इस तरफ चला। हाँ उधर चला, गाड़ी हटा दो वहाँ से, गाड़ी नीचे रख दो। टाइम 9 बज रहे हैं, सारे साफ ये भी करना है, ये फ्रिज के ऊपर करना है, क्योंकि तुम्हारी बाहर 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 जाना आना ऊपर है ना, बच्चे घर का जो है घर की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था, तो बच्चे घर बाहर से आओ तो बच्चों को भी देखना पड़ रहा है। चेंज कर दे बेटा, चेंज कर दिया, चेंज कर दे। देखो ये देखो, देखो देखो, देखो अभी काम पड़ा। इसके पास एक खिलौना, ये देखो ये खिलौना है, और ये देखो इसको यही चाहिए, गौरव को भी यही चाहिए, देख रहे हो? अब देखो ये क्या करे, क्या किया, छिल लिया नीचे ऐसे कर।
गुड़ छीन ले, छीन ले गुड़ छीन। जो गाइस बर्तन धुल चुके हैं, अब बोतल ले गया धोना, और बाबू के कपड़े भी थोड़े तय लग चुके हैं उसमें, थोड़े बहुत रह गए हैं, ये सारा हो जाएगा बस। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सफाई हो जाएगा और हमारा काम ख़त्म। फिर खाने की तैयारी, खाना ही बना हुआ है, आज रोटी बनेगा तो मज़ा आ जाएगा। क्यों मम्मी के घर से लेके नहीं आना, उसके बाद क्या रोटी खाओगे? देखो महान बंदा उसके हाथ से छीन लिए। अपने आप को तो बहुत वो है ये। गुड्डू भाग, गुड्डू भाग, जंप हुआ, भाग तो भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। देख रहे हो कैसी है माँ, सब लड़ाई करा रही है, लड़ाई करवा रही है। गौरव के पैंट ऊपर कह रहे थे ये यो 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 पानी भर गया इनका। हेलो गाइस, रात के 11 बज रहे हैं और ये देखो क्या चल रहा है इनका, ये देखो। और इसकी मम्मी देखो क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये अब बोलो। ये बच्चों ने सूसू कर रखा है, मैं उसको सुखा रही हूँ। गाइस आप ये मत समझ रहे, टेंट लग रहा है, टेंट नहीं लग रहा है, ये देखो ये अभी ये पंखा चलेगा। गौरव आपकी मम्मी देखो कहाँ चली गई थी, देखा आपने, हैं देखा कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, यहीं थी हैं। तो गाइस फाइट हो रहा है दोनों का, ये तीसरा भी आ चुका है, आ गया। अरे बैठ जा भाई, तू बैठ, ये देखो कैसे लड़ रहे हैं। बैठ नहीं उठे उसके दोस्त हाथ से, अब जो भी खड़ा हुआ हुआ, हाँ मेरा बैठो बैठो बैठो। ये देखो ट्यूब, ये एक घंटे से ट्यूब छीन रखा है गुड़िया ने, इसके हाथ में था पहले, अब देखो दे नहीं रहे जब से, ये देखो अब देखो ट्यूब लेने की कोशिश करेगा ये। अरे हम देखो लेगा ना, देखो कैसे, देखो गुड्डी को देखो कैसे करते गुड्डी, इसके हाथ में नहीं आने देगी, देखो देखो ये देखो 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 हाथ हिलाने लग जाती है, ये देखो देखो बहुत तेज है गुड्डी, ये देखो बताओ इसके हाथ से छीन रही है, ये तो छीन नहीं पाया बेचारा, यो छीनेगा। ओ भाई साहब छीन ही लिया भाई, गुड्डी तेरा क्रीम तो गया।
फुट क्यों कर रहे हो भैया? बेटी देताली। बस तू यहीं खड़ी रहेंगे। नहीं, अरे तो भैया गाइस रात हो गया, रात के 1 बज गए हैं। अब बच्चे जो हैं दूध पी रहे हैं तीनों। चद्दर मैंने पूरा चद्दर ठीक कर दिया था कोने तक, इन तीनों ने बिखाड़ दिया सारा चद्दर। देख रहे हो क्या बेड का क्या हाल कर रखा है, और खुद ऐसे पड़ गए हैं देखो। और गाइस गगन को जो है इसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है गाइस, इसको ना बहुत जल्दी सर्द गर्म बहुत जल्दी पकड़ता है। तो इसको जो है जैसे आप सबको पता है कि मौसम बहुत चेंज हो रहा है और सर्दी का एहसास होने लगा है, तो उसके बाद मैं तो जब से मैंने आपसे नहीं बहुत पहले से ही पंखा जो है एक पे करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक पे भी नहीं चलता ना तो फिर ये सो भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए पंखा जो एक पे करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इनको जुराब वगैरह सब पहना दिया, अभी मैंने बस पैंट अभी उतारी क्योंकि डायपर पहनाना था इसको, और बाकी तीनों को इसको भी देखो यहाँ भी गर्म और जुराब भी, तीनों को मैंने जुराब ऊपर सब कुछ पहना रखा है। मैं इनको अब पैक ही रख रही हूँ, मतलब अभी से नहीं पहले से रख रही हूँ मैं पैक। तो चलो अभी तो मोस्टली मैंने इसको, अब देखो खांसी होने स्टार्ट हो गई है। हाँ आ जा, अब गौरव को और गगन को खांसी लग गई है, और इसकी खांसी इतनी तेज़ वाली लगती है ना, सीधा पसली चलने लग जाती है इसकी, तो इसलिए बड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे गाइस इसकी। अब देखो मैं जैसी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मैं इसका इलाज अभी से करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि बस ज़्यादा हो जाती है ना तब निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी से बस इसको जो है वो अदरक वगैरह पीस के उसका रस हनी वगैरह दूंगी, और इसको जो है लहसुन अजवाइन का तेल लगाऊंगी, और उसको गर्म कपड़े से, अभी तो फिलहाल तो मैंने विक्स लगा दी है पूरे पे, अभी विक्स लगा दी है उसको, जब सोने जाएगा तो मैं वो लहसुन और उसका थोड़ा तेल का मालिश लगा दूंगी। आप कहाँ रहे हो देखो गाइस इसकी तरफ, नहीं बेटा हटो गुड्डो यार तुम तो हाथ दो। भाई तो खराब हुई पता है आपको, स्टाइल दिमाग के दिखा रहे हो क्या? अरे स्टील का डब्बा मुनक्का ना नहीं है ना तो गाइस चलते हैं, मैं उसको जरा भाप दे देती हूँ। मेरे हिसाब से भाप दे लेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब इसे जब पसली चलने लगती है ना तो हमें इसको भाप ही देना पड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाके भी भाप ही दिलाना पड़ता है। तो मैं इसको जो है अभी भाप दे दूँगी, मैंने अभी भाप की मशीन निकाल ली है बाहर, और उसको भाप दूँगी थोड़ा सा, तो रात भर ये है कि आराम से सो पाएगा, अदरवाइज अगर जैसे आपकी खांसी उसको लग चुके हैं ना तो रात को सोने में बहुत दिक्कत करेगा। तो मैं इसको जो है अभी इसे खांसी की दवाई दे दूँगी, मैंने खैर खांसी की दवाई भी दे दी थी। ना मैं बेटा मैं ठीक हो जाएगा मैं बच्चा। गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और बच्चों को तबीयत ख़राब हो जाता है सीरियसली। अभी बच्चे कुछ टाइम तक तो बिल्कुल ठीक थे, जैसे ही मौसम चेंज हुआ अब फिर इनकी खांसी जुकाम बढ़ना स्टार्ट हो गई है।